वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है और साथ में हमने 0.5 मीटर बेस फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को टू फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 7 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करना है यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने रखी है 9.5 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 6.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमें। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाना है यहाँ पे इस तरह से। अभी हमारे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है हमने। अब यहाँ पे हम बैक का पार्ट भी कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से टू फोल्ड करना है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सीधा रखना है। फोल्ड एरिया को मिलाते हुए और इसे एज इट इज़ हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से हम आर्म होल मार्क करेंगे यहाँ पे और नेक की ब्रॉडनेस भी हमें सेम रखनी है 2.5 इंचेस और लेंथ हम रखेंगे 1.5 इंचेस और हर कलर सा राउंड शेप हमें देना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें इसकी लेंथ रखनी है कॉर्नर से 3 इंचेस पे हमें मार्क करना है इस तरह से। और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से ये जो हमने नेक ड्रॉ किया है वहाँ से हमें डाउन पे 3.5 इंचेस इतना मार्क करना है और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें इस तरह का शेप बनाना है यहाँ पे बैक पार्ट के लिए। ये देखिए, हमने इस तरह का शेप बना लिया है और हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से बैक का पार्ट कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें इस तरह का शेप मिल गया है यहाँ पे। और ये रहा हमारा फ्रंट का पार्ट और ये रहा हमारा बैक का पार्ट। अब बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पे इस तरह से सीधा रखते हुए अरेंज करेंगे और यहाँ पे हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है फैब्रिक से। जिसकी ब्रॉडनेस हमने रखी है 13.5 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 3.5 इंचेस। अब यहाँ पे हमने इस तरह के बेस फैब्रिक कट किए हुए हैं तीनों पार्ट के लिए इसके ऊपर सीधा रखते हुए। और बेस फैब्रिक को हम राइट पार्ट पे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे भी हमें बेस फैब्रिक उल्टा रखना है।
और यहाँ पे हम आर्म होल में, नेक पार्ट में और दूसरे आर्म होल में और इस तरह से बैक पार्ट में भी हमें सिरे लगानी है और इस शेप में भी हमें इस तरह से सिरे लगानी है और स्टिप्स में भी हम सिरे लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें हल्के हल्के हाथों से अब नोचिस लगाने हैं इस तरह से। दोनों पार्ट में जहाँ भी हमने सिरे लगाए हैं वहाँ पे हम हल्के हाथों से कर्स लगाएंगे और कर्स लगाने के बाद हमें इस राइट साइड पे टर्न करना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने इस तरह के रिंग बनाई हुई है फैब्रिक से, इसे यहाँ से हम पास करेंगे और हमें इसे सेंटर पे बिल्कुल अरेंज करना है इस तरह से पैटर्न के लिए बैक पार्ट पे। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट पे इसे अरेंज करेंगे बैक पार्ट को और इस बेल्ट को भी हमें यहाँ पे नीचे की तरफ रखना है बिल्कुल। और यहाँ पे हमें पिन कर लेना है दोनों तरफ हम पिन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें दोनों तरफ सिरे लगा के दोनों को अटैच करना है। देखिए हमने इस तरह से सिरे लगा के बैक का पार्ट रेडी कर लिया है। तो इस तरह से टॉप पार्ट हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने फैब्रिक से दो रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं बॉटम के लिए, जिसकी ब्रॉडनेस हमने रखी है 29 इंचिस और लेंथ हमने ली है 15 इंचिस। इसे दोनों को साथ में सेंटर से हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क करनी है फोल्ड एरिया को मिलाते हुए और ये जो मार्किंग पॉइंट है वहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड करना है हमारी लेंथ तक। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे क्रॉस में और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें दो पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए बॉटम पार्ट के। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे हम यहाँ पे अरेंज करेंगे इस तरह से इसके साथ अटैच करने के लिए। तो हम टॉप को बॉटम के ऊपर उल्टा रखेंगे बॉर्डर को मिलाते हुए और हमें सिरे लगानी है और यहाँ पे बैक पार्ट को भी हम बॉटम के साथ अटैच करेंगे तो इसके ऊपर उल्टा रखते हुए हमें इसे मिलाना है और सिरा लगानी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं और इसे राइट साइड पर रन किया है। अब राइट पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पे फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे दोनों शोल्डर में सिरे लगा के दोनों को अटैच करने हैं और 1 इंच की गैप पे दोनों तरफ से सिरे लगा के फ्रॉक को हमें फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से सिरे लगा के फ्रॉक को हमने राइट साइड पे टर्न किया है। और ये हमारा बैक का पार्ट है। अब पार्ट को हम फ्रंट साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे हम ये जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर है इससे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगाएंगे।
इस तरह से पूरे राउंड में। ये देखिए हमने सिरे लगा दी इस तरह से, और इसी के साथ ये वेव फ्रॉक हमारा रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेव फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारे डिज़ाइन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।